कि पीरियड्स का नाम ले ले परिवार वालों के सामने, तो उसे ऐसी दृष्टि से देखा जाता है कि उसने कौन सा बड़ा पाप कर दिया। पीरियड्स रिलेटेड ज्ञान है, जो सेक्स एजुकेशन है, वो हम क्यों नहीं दे सकते अपने बच्चों को? भारत धर्म का देश है, लेकिन मासिक भी तो धर्म ही है ना। सबसे पहले तो पूर्वी बिहार के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो मैं लैंगिक समानता के ऊपर काम कर रही हूँ, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, पिछले 5 सालों से, जब मैं 11 साल की थी तभी से। और मुझे संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन के द्वारा हैट्रिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पिछले 3 सालों से मुझे वहाँ से अवार्ड दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसी वर्ष मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी की, मैंने पहले ही बताया, 1 अगस्त को रिलीज़ हुई तमाम राष्ट्राध्यक्षों के सामने कैनेडा से। मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया था 2020 में, क्योंकि इतनी कम उम्र में लैंगिक समानता के लिए काम करना। और ये रही मेरी पुस्तक। एक क्वेश्चन है, आप 11 साल के उम्र से लैंगिक समानता पे काम कर रहे हैं, उस समय आपको कहाँ से ये गाइडेंस मिला? अभी अभी जो 20 साल की लड़कियां हैं, कई सारी लड़कियां ऐसी होंगी जिसको लैंगिक समानता होता क्या उसको पता नहीं होगा। कैसे आप 11 साल की उम्र में इस चीज पे काम करने का सोचा और इसको इतना आगे लेकर के आए आप? जी, तो जब मैं 11 साल की थी तो मैं मेरे एक रिलेटिव के घर में गई थी। एक्चुअली उनको बेबी हुआ था, तो मैं छोटी थी, तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि जब बच्चा आ जाएगा इस दुनिया में तो मुझे मिठाई दी जाएगी। बट तो मैं छोटी थी, बट मुझे मिठाई नहीं दी गई। मैंने पापा से पूछा कि पापा, खुशखबरी तो आई है, लेकिन ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि बेटी हुई है। तो तभी मेरे मन में ख्याल आया कि बेटी होने पर इतना दुख आखिर क्यों? किस मामले में बेटियां बेटों से कम होती हैं? तो शुरुआत तो मेरी कहीं ना कहीं वहीं से हुई। उसके बाद से जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मैं सीखती गई और मैं अभी भी सीख रही हूँ हर दिन कुछ ना कुछ नया, कि हमारे समाज में कैसे परिवर्तन की आवश्यकता है, हमारे समाज में ऐसी क्या गलत चीज़ें हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। और आपने बुक जो लिखा है वो शायद पीरियड्स वगैरह पे लिखा है, उसके बारे में आप बताइए। तो ये पहली पुस्तक है मेरी, शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो इसमें लैंगिक समानता से जुड़ी सभी समस्याओं का जिक्र मैंने किया है। और दूसरी पुस्तक में जो मैं लिख रही हूँ उसका नाम है लाल धब्बा, जो कि महावरी से जुड़ी सभी समस्याओं पर आधारित होगी, कि एक महिला कैसे अपना खास ख्याल रख सकती है उस टाइम पर, एक महिला को क्या क्या समस्याएं अपने पूरे जीवन में फेस करनी पड़ती हैं केवल पीरियड्स को लेकर, उसे कितना नीचा दिखाया जाता है, कितना शर्मसार किया जाता है। तो वो पुस्तक मेरी उस बारे में होगी। अच्छा, पहली बार आप इस पे काम करना जब चाहे तो आपके पेरेंट्स इस पे कैसे सपोर्ट किए? कैसे आप पेरेंट्स से कोलैब कर पाएँ कि इस चीज़ को हम आगे लेकर के आना चाहते हैं? मेरे पेरेंट्स कहते हैं ना मेरे बैकबोन है, क्योंकि अगर वो मेरे पीछे नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। हम बिहार से आते हैं और यहाँ पर अगर कोई लड़की पीरियड्स का नाम ले ले परिवार वालों के सामने, तो उसे ऐसी दृष्टि से देखा जाता है कि उसने कौन सा बड़ा पाप कर दिया। लेकिन वैसे समाज में रहकर भी मेरे माता पिता ने जितना मेरा साथ दिया है, जितनी बुलंदी उन्होंने मुझे दी है कि मैं दुनिया के सामने अपनी आवाज़ रख सकूँ, दुनिया को बता सकूँ कि ये मेरा अधिकार है और ये मुझे चाहिए, मैं अपने माता पिता को मैं क्या कहूँ, वो मैं दिल से उनको नमन करना चाहूँगी कि मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। जीवन का एक पार्ट है, इनको आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और समझा बहुत ज़्यादा। और एक दो चीज़ हम बता दें कि जैसे आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, वहाँ पे प्रैंक वीडियो भी शूट किए जाते हैं। अब बिहार में कोई प्रैंक वीडियो शूट कर ले, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब मारपीट हो जाएगा, कुछ वैसा वर्ड निकल जाएगा। यहाँ अब पीरियड की बात तो बहुत दूर है, उसको तो लेना मतलब कह लीजिए कि नामुमकिन वाली बात है, किसी फैमिली मेंबर के सामने या फिर अपने भाई बहन के सामने या पापा मम्मी के सामने नहीं कह सकती लड़कियाँ, डरती हैं। बिल्कुल, मेरे पापा का यही कहना है, मेरे दोनों माता पिता का, कि जब हम अपनी बच्चों को सारी बातें बताते हैं तो जो बेसिक एजुकेशन की चीज़ें हैं, जो पीरियड्स रिलेटेड ज्ञान है, जो सेक्स एजुकेशन है, वो हम क्यों नहीं दे सकते अपने बच्चों को? जब सारा दुख, सारी खुशी, पहली खुशी हम किसे बताते हैं? माँ बाप को, ऑफकोर्स, पहला दुख किसे बताते हैं? उन्हें। तो अगर हमें हर ज्ञान अगर उनसे मिले, या फिर स्कूल्स में, हमारे भारत के स्कूल्स में क्या है कि वो आपको सब कुछ सिखाएंगे सिवाय ज़रूरी ज्ञान के। मैं किसी भी चीज़ को मैं ऑफेंस नहीं कर रही, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर एजुकेशन के साथ की बात नहीं है, ऑफेंस की बात नहीं है, जो लाइफ की रियलिटी है वो यही है। रियलिटी यही है और सच हमेशा कड़वा होता है, यही सच्चाई है हमारे देश की, कि यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता, मैं मानती हूँ कि भारत जो है वो संस्कृति का देश है, भारत धर्म का देश है, लेकिन मासिक भी तो धर्म ही है ना, मासिक धर्म हम कहते हैं ना इसे, तो फिर इसके बारे में बात करना अधर्म कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब है किसी के पास कि जब महावरी को मासिक धर्म कहा जाता है, तो मैं जब इसका नाम ले रही हूँ तो मैं अधर्म कैसे कर रही हूँ? अच्छा, इसके बाद आपका दूसरा बुक एक लाल धब्बा आ रहा है जी, उसके बाद क्या एस्पेक्ट हम कर सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन पे भी आप कोई बुक लिखें, क्योंकि इस फील्ड में लोग जो है धीरे धीरे मतलब घर में अपना बता पाएँ और पेरेंट्स के सामने हर बात को रख पाएँ,
किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको फेस अकेले नहीं करें, नहीं करें, शेयर करके फेस करें ताकि उसमें जो है ना उसको परेशानी कम हो। बिल्कुल, आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरी जो तीसरी पुस्तक होगी वो या तो सेक्स एजुकेशन पे होगी या फिर किसी ऐसे मुद्दे पर होगी जिसकी हमारे समाज में आवश्यकता है, जिसको लोग कब से इग्नोर करते जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे बुक को लिखने में बाहर से कोई सरकारी बाधाएं वगैरह आती हैं? नहीं नहीं, कोई बाधाएं नहीं आई। पब्लिश करने में ऐसा कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन आता है कि आप इल्लीगल चीज़ों को पब्लिश कर रहे हैं? अभी तो पहली पुस्तक जो थी मेरी, इसमें तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं आई पब्लिकेशन हाउस की तरफ से भी। दूसरी बुक अभी उस प्रोसेस में गई नहीं है, हालांकि उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई, क्योंकि मैंने जितने भी बातों का चर्च किया वो सारे मेडिकल टर्म्स हैं, वो सारे ऐसे टर्म्स हैं जो लगभग जानती थोड़ी बहुत हर महिला है, लेकिन वो उन बातों को समझ नहीं पाती, तो उन्हीं सब चीज़ों को मैंने शब्दों में पिरोकर लिखा है, तो ऐसी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक लास्ट चीज और है, आप महिला सशक्तिकरण के लिए आप काम कर रही हैं, क्या मतलब पुरुषों के लिए भी होना चाहिए? पुरुष के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मैं बात कर रही हूँ जेंडर इक्वालिटी की, लैंगिक समानता की, तो समानता की जब बात होगी तो चाहे पुरुष हो, महिला हो, किन्नर समाज के लोग हों, जो जितने भी टाइप के जेंडर के लोग हों, सबके लिए समान अवसर मिले, सबको हमारा समाज एक अच्छी दृष्टि से देखे। लेकिन महिलाएं और लड़कियां के लिए कई सारे संगठन चलाए जा रहे हैं, पुरुष के लिए तो नहीं चलाए जा रहे हैं। मैंने शुरू में ही आपको कहा कि अभी हमें समाज के मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है, इसीलिए हमारे काम को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जब ये इक्वलिटी, आज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, फिनलैंड जो देश है वो दुनिया का पहला देश है जहां पर जेंडर इक्वलिटी है और वो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, तो आप जेंडर इक्वलिटी का परिणाम देख सकते हैं कि फिनलैंड में जेंडर इक्वलिटी है तो कितना ज़्यादा खुशहाली है वहां पर। इसीलिए जेंडर इक्वलिटी लाने के लिए ही महिलाओं के काम को प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने स्तर से क्या इसका जवाब होना चाहिए आप दीजिए, जैसे कि कोई अभी लड़की लोग फेमस होने के लिए अपने आप को सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए या तो अश्लील तरह के कपड़े पहनती हैं, अश्लील गाने का यूज़ करती हैं, इसके बाद अपने आप को प्रमोट करती हैं, ठीक है, तो उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वहाँ पे जो महिला का जो टीम चला आपका है, महिला सशक्तिकरण का जो टीम है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर कोई पुरुष, जैसे मान लीजिए हम मीडिया ही, अगर हम चड्डी पहन के रिपोर्टिंग करें तो क्या हमारे लिए कोई खड़ा होगा? कल भी मेरे से यही सवाल किया गया था किन्हीं चैनल के द्वारा, तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि पहली बात तो ये कि कपड़े किसी का चरित्र डिसाइड नहीं करते, हालांकि अगर आप अभी वैसे रिपोर्टिंग करते तो लोग आपको बदतमीज़ कहते कि ये बदतमीजी कर रहा है। यही चीज़ मैं लड़के लड़कियों सबको कहना चाहूँगी, रियलिटी है ये, बदतमीजी नहीं है। बिल्कुल, ये रियलिटी है, हमारा समाज जो है वो आप किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो उस बेसिस पे आपको जज कर लेता है। तो जहां तक बात है कपड़ों की, तो कपड़ों पर तो कोई ऑफेंस नहीं है, बट जहां तक बात आती है लड़कियों को ये कहने की इट्स माई बॉडी माई राइट, तो ये मैं तब कहती हूँ, कुछ लड़कियाँ मुझसे भी कहती हैं कि आप तो खुद कहते हो कि ये मेरा शरीर है तो मेरा अधिकार, तो भाई मैं सेक्सुअल राइट्स की बात कर रही हूँ, मैं उन अधिकारों की बात कर रही हूँ जो मुझे नहीं मिल रहे। इस चीज़ के नाम पर अगर आप खुद का गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर वो गलत है, वो चीज़ गलत है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप जो सोच रहे हो, भारत एक सांस्कृतिक देश है, सांस्कृतिक देश है और यहाँ पे सभ्यता को मान और मर्यादा के अंदर रखते हुए काम करना है। आपको अगर अधिकार मिला हुआ है तो अधिकार का आप गलत इस्तेमाल ना करें, ये तो होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। लेकिन हमारे भारत की ये भी समस्या है ना कि अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन के निकल गई तो लोग सीधा उसको कहते हैं कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है, लेकिन क्या कपड़ों की लंबाई से किसी का चरित्र देखा जा सकता है? वो बिल्कुल नहीं, इसको मैं भी सपोर्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल, तो मैं वही कहना चाहूंगी और मैं लड़कियों को भी कहना चाहूंगी कि इस आज़ादी जो आपको मिली है उसको एक अच्छे वे में यूटिलाइज करो। आपके हाथ में आज मोबाइल फोन्स है तो रील्स बनाना गलत बात नहीं है, मैं खुद रील्स बनाती हूँ, मुझे खुद इन सब चीज़ों का शौक है, लेकिन अगर आप उसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल कर अगर आप खुद को मेंटली डेवलप करने में, अपने बुद्धि को विकसित करने में अगर उस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फॉलोअर्स के लिए आपको पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉलोअर्स आपको खुद ब खुद मिलते जाएंगे। बाकी आपसे बात करके अच्छा लगा। आप इतना मान के चलिए कि जाह्नवी जी जो है जिस फील्ड में ये काम कर रही हैं, आने वाले समय में लड़कियों के लिए एक बहुत ही बड़ा ये सुनहरा अवसर होगा कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी फैमिली मेंबर से, अपने समाज से वो शेयर कर पाएंगी, क्योंकि इस फील्ड में इतना ये बेहतरीन काम कर रही हैं और आगे चल के जो बुक लेकर के आएंगी कहीं ना कहीं समाज में जो है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। चलिए इनसे, इनके पापा से हम कुछ बात कर लेते हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहली बार बिहार की कोई बेटी बिहार के लोगों और देश के लोगों के सहयोग से यह ताज बिहार में लाई है, तो किसी को खुशी होगा, हम तो पिता हैं। और आप पूर्वी क्षेत्र से आए हैं बता रहे हैं, भागलपुर से हैं? जी जी बिल्कुल जी जी, तो जो जाह्नवी है उसमें भी भागलपुर का खून है, इसके नानी का गांव सैदपुर हुआ भागलपुर में ही, तो आप पूर्वी बिहार की भी बेटी कह सकते हैं, तो वैसे पूरी दुनिया की बेटी। समानता के खिलाफ लड़ रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? यह तो अभी पूरी दुनिया का ज्वलंत मुद्दा है,
और आपने जो अभी कहा कि पुरुष का आयोग नहीं है, महिला का आयोग है, तो बढ़ाने की ज़रूरत उनको होती है जिनमें कमी है। पुरुष हम लोग बढ़े हुए हैं, हम लोग 70% पर पहुंच गए हैं एक्टिवनेस में, और महिलाएं अभी भी 20-25% में हैं। तो जब वो 70% एक्टिव में आ जाएगी, कभी कभी एक्सेप्शनल केस में होता है कि पुरुष को भी प्रताड़ित किया जाता है। जी होता ही है, बिल्कुल होता उसके है, उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता। हाँ। लेकिन महिला के लिए, महिला का जो गठन है वो खड़ा हो जाता है, इसलिए कि चूंकि वो लोग बहुत पीछे हैं अभी पुरुष के साथ। आप बलात्कार का ही घटना सुनिए, कंपेयर कर सकते हैं कि बहुत पीछे नहीं है। बलात्कार की घटना है, बलात्कार का जो केस दर्ज होता है वो ज्यादा केस महिलाएं ही ना दर्ज कराती हैं, जबकि पुरुष के साथ भी बलात्कार होता है। 99% महिलाएं का होता है, होता है, जबकि पुरुष के साथ भी बलात्कार होता है, लेकिन वो अगर कहने जाएगा तो उस बात को कोई नहीं मानेगा। लेकिन लेकिन नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए, होना 1% के पुरुष के पक्ष में हो, 99% महिला के पक्ष में हो, वो अलग चीज है, लेकिन नियम बराबर होना चाहिए। नियम तो बराबर है ही, नियम बराबर है ही, सिर्फ अधिकार उन लोगों को नहीं मिले। अधिकार नहीं मिला तो अधिकार ही तो चाहिए हमें, अधिकार चाहिए, इसीलिए जानवी लड़ रही है। और वही जो लड़ रही है उसी का दिया हुआ ये सारा वोट है पूरे देश दुनिया का। जो इतनी छोटी लड़की पीरियड, सेक्स इशूज, एड्स, HIV जैसे मुद्दों पर बात करती है, और बिहार की लड़की होके, जहाँ हम लोग, और हम लोगों का संस्कृति कहा जाता है लिच्छवी गणराज, और बिहार पूरे विश्व में फेमस है। सबसे बड़ा गर्व का बात यह है कि बिहार की होकर के सेक्स एजुकेशन पे बात करना, पीरियड्स पे बात करना, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग बात है। उस चैलेंज, इतने बड़े चैलेंज को फेस करते हुए इतने बड़े मुकाम पर आई, कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा बात है। इनके लिए एक बार ताली हो जाए, ताली हो जाए इनके लिए, एक बार दिखा दो, ताली हो जाए इनके लिए। बाकी कैसा लगा हमारा प्रयास आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी इस फील्ड में आगे आइए, उभर के आइए, मेरा उम्मीद यही रहेगा। बाकी सिल्क टीवी को देखने के लिए धन्यवाद।